हाय सभी को, क्या आपने कभी अपने दोस्त को एक दिलचस्प सच्ची कहानी बताई और उसने उसे मानने से इनकार कर दिया? शुक्र है आजकल सभी के पास एक स्मार्टफोन है और हम यादगार बातें कैमरे पर कैप्चर करते रहते हैं और इसी वजह से आप अपनी कहानी का सबूत ना तुरंत बता सकते हैं। आज हम आपको कुछ अमेजिंग घटनाओं के बारे में बताएंगे और हाँ, यकीन माने आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे ताकि वो खुद अपनी आंखों से इसे देख सके। चलिए शुरू करते हैं। A mattress with a surprise। बचपन से ही हमें एक आम डर होता है कि कोई मॉन्स्टर हमारे बेड के नीचे छुपा हुआ है। खैर, पहली कहानी भी थोड़ी डरावनी और असली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉमन स्लीपिंग मैट्रेस पड़ी है, शायद थोड़ी पुरानी है पर सामान्य है। तो जब इस वीडियो के लड़कों ने इसे फाड़ना शुरू किया तब हमें असली बात पता चली। भैया, इसके अंदर सांपों का एक पूरा परिवार छुपा हुआ बैठा था और अंदाजे से इनकी संख्या लगभग 50 होगी। समझ रहे हो, जाहिर सी बात है कि इस गद्दे का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है और सांप ठंडे खून के जानवर होते हैं, इसीलिए इन रेप्टाइल्स को हमेशा गर्म और एकांत भरी जगह की तलाश होती है, नहीं तो उन्हें शिकार करने के लिए कहीं और जाने की एनर्जी नहीं बचेगी। इसके साथ ही जब काफी ठंड पड़ती है तब सांपों की इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाती और इसीलिए वो किसी बीमारी से भी मर सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका घर ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो आपको अपने घर के आसपास की गर्म जगहों को चेक करते रहना चाहिए ताकि अचानक कोई अनचाही चीज सामने ना आ जाए। समझ रहे हो, स्कैरी वर्लपूल। क्या आपने कभी सिंक होल्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको उनके बारे में बताते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में पत्थर आसानी से पानी में घुल जाते हैं और इसकी वजह से एक अनोखे गड्ढे तैयार होते हैं। भैया, दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐसे गड्ढों की जो आकार में कई मीटर तक के हो सकते हैं या आम तरह के फनल जैसे दिखते हैं जो ऊपर की तरफ से बड़े होते हैं। वैसे इन गड्ढों के तल पर आपको अक्सर असली गुफा मिल सकती है। और हाँ, हम ये बताना भूल ही गए कि ये सिंक होल्स आमतौर पर ठहरे हुए पानी में पत्थरों के घुल जाने पर तैयार हो जाते हैं। कई बार आपको इन सिंक होल्स के पास ना कुछ और सिंक होल्स भी मिलेंगे। इस केस में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना देख रहे हैं। जैसे जैसे पानी बहता है तो वो अपने आसपास की सारी चीजें निगल लेता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ भी इन गड्ढों में समा जाते हैं। ये देखना काफी अजीब लगता है कि इतने बड़े पेड़ को एक गड्ढा ऐसे निकल लेता है जैसे कि लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा हो। यहाँ दिखाए गए सिंक होल्स की कहानी 2012 में लुइसियाना के बायायू रोग में शुरू हुई थी। सबसे पहले स्थानीय लोगों को हवा में गैसोलीन की गंध आने लग गई। इसके बाद एक आदमी को शहर से बाहर एक मैदान में बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। भैया, वो पूरी तरह से गंदे पानी से भरा हुआ था। पता चला कि ये गड्ढा जमीन के नीचे के निर्माण के टूटने से बना है जिसे एक ऑयल कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही बनाया था। यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन गड्ढे के तेल से धुआं भी निकल रहा था। इसका मतलब वहाँ के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे थे। साथ ही कुछ लोग और थे जिनको एक और ही चिंता सता रही थी कि कहीं उसमें आग ना लग जाए। भैया, अगर ऐसा होता तो शहर को एक बड़े धमाके का सामना करना पड़ता। इसलिए 2012 में कंपनी वहाँ के निवासियों को अपने गैर जिम्मेदार इंजीनियर्स की गलती के लिए पैसे दे रही है। समझ रहे हो, डेंजरस सेल्फी। आप जितना चाहे कन्विंस कर लो, आपके दोस्त इस कहानी पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं करेंगे। भैया, एक सामान्य सी लड़की अपने परिवार के साथ मेक्सिको के कैरो द चिपिंक्यू पहाड़ों में सैर पर गई। भैया, वहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट को ये जगह काफी पसंद है। भैया, लेकिन जब महामारी शुरू हो गई, समझ रहे हो कौन सी, लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया और इसीलिए जंगलों में रहने वाले जानवर अक्सर बाहर आने लग गए और उसी तरह इस लड़की का सामना एक बड़े से भालू से हो गया। ये जानवर अचानक झाड़ियों के बीच से अजनबियों के सामने आकर एकदम से खड़ा हो गया। समझ रहे हो, वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे इतना बड़ा प्राणी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और उस लड़की को अपने साथ एक सेल्फी लेने देता है। समझ रहे हो, जैसे कि ये उसके लिए रोज की बात है। आप ये सोच रहे होगे कि ऐसी हालत में वो लड़की इतनी शांत कैसे है, लेकिन दरअसल इस लड़की ने पूरी तरह बिल्कुल ठीक काम किया। अगर कभी आपका ऐसे जानवर सामना हो जाता ना तो आपको इसी तरह शांत रहना चाहिए। भैया, बात पल्ले बांध लो, अगर आप अपने डर को छुपा नहीं सके या भागने की कोशिश करेंगे तो आप उसे गुस्सा दिला सकते हैं। तब ये जानवर समझ जाते हैं कि आप कमजोर हैं और वो आप पर हमला कर सकते हैं। आप खाना है फिर उनके लिए। नो नो नो, ए डोमिनो कोलैप्स। सच बताइयो कसम से, ये सच है ना कि आपको इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले ASMR वीडियोस पसंद आते हैं? ना ना, हम उन वीडियोस की बात नहीं कर रहे जहां लोग हमेशा माइक्रोफोन के पास कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
हम उन वीडियोस की बात कर रहे हैं भैया, जहाँ पर लोग लोहे की चीज को काट रहे होते हैं या कुछ अजीब प्रयोग कर रहे होते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं और उनको बनाने वाले ना सोशल नेटवर्क पर सेलिब्रिटीज बने चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो आपको हमारी अगली स्टोरी जरूर पसंद आएगी, भले ही उसे लाइक्स कॉमेंट्स या सब्सक्राइबर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। ये स्टोरी चाइना के चिनहुआ शहर के हाईवे पर हुई थी। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबी फेंस थी जो डोमिनोज की तरह गिर गई। इसे गिरने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। कितने? 30। ये जो मान गलती हुई ना, इसका कारण है डिजाइनर्स का मिसकैलकुलेशन। बात ये थी कि इस फेंस को सपोर्ट करने वाले कंक्रीट के सपोर्ट मजबूत नहीं थे भैया। थोड़ी सी हवा भाई, यो कलो पुरवाई चल गई और पूरी सतह एक लाइन में जमीन पर धराशायी हो गई, गिर गई। खैर, वर्कर्स को इसे ठीक करने में कई घंटे लग गए। चलिए अब अगले हवा भरे दिन का इंतजार करते, देखते तुम्हारा कितना टिकेगा। फूड सिंफनी। जिस किसी ने भी भैया म्यूजिक प्ले किया है ना, उनको पता है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट सस्ते तो नहीं होते हैं। एक हारमोनिका भी आप खरीद लो भले। इसके साथ ही आपको कई केबल, साउंड एम्पलीफायर्स, इफेक्ट प्रोसेसर्स और कई बहुत सारे टूल्स तो खरीदने ही पड़ते हैं ताकि आप बेटर साउंड कर सके। पर एक बात बताओ, अगर हम अपने आसपास की चीजों से म्यूजिक प्ले कर पाए तो? खैर, इस सवाल का जवाब रशिया के स्टार्टअप प्लेट्रॉनिका ने बड़ी आसानी से दे दिया है। अब कान लगा के सुनो इसके स्टार्टअप के बारे में। एक डिवाइस डेवलप किया है इन्होंने, एक मिडी कंट्रोलर है और आपको भी कंडक्टिव मटेरियल से धुन बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जियां, समझ रहे हो, साबुन, मिट्टी या पानी। इस डिवाइस को स्पेशल वायर्स के द्वारा चीजों से जोड़ा जाता है जो भी उन्होंने तामझाम की है, और सिंपल प्रोग्रामिंग से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नोट्स पर प्ले कर सकते हो। इससे आप एक असली ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं। वैसे अपने इस हिट प्रोडक्ट को सामने लाने के बाद प्लेट्रॉनिका के इंजीनियर्स ने एक नया कंट्रोलर रिलीज किया है, जिससे आप इंसान के शरीर से भी उसी तरीके से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ये लोग ही निराले हैं। शार्क चार्मर। क्रिस्टीना ज़िनाटो इटली के विश्व प्रसिद्ध गोताखोर है, जो शार्क्स के साथ अपनी दोस्ती के लिए बड़े फेमस है भैया। इस लड़की को पानी के नीचे शार्क से जरा भी डर नहीं लगता है और वो शार्क की मदद से कुछ अद्भुत ट्रिक्स भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टीना एक 3 मीटर शार्क को अपनी हथेली पर खड़ा कर सकती है। देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं। इस इटालियन को पता है कि शार्क के चेहरे पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स को छूकर उन्हें शांत रखा जा सकता है। शांत रहने से बहुत काम हो जाता है, मैंने पहले भी कहा था। पर ये मत समझना कि ये स्कूबा डाइवर सिर्फ मजे के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले उसने एक बदकिस्मत शार्क को बचाया था जिसके मुंह में मछली पकड़ने का कांटा फंसा हुआ था। डाला हुआ आप में से किसी ने? फोरकास्ट विद अ ट्विस्ट। कभी कभी न्यूज एंकर्स को काफी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ वालों का नहीं, आज मैं बोल रहा था बहुत खराब मौसम में या मिलिट्री जोन्स में किसी प्रकार की खबर के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना के टालियान शहर में हुई इस स्टोरी को देखिए भैया। ये रिपोर्टर एक पास आते हुए तूफान के बारे में मौसम की जानकारी दे रहा था, तभी अचानक उसकी छतरी, देख रहे हो, उस पर बिजली गिर गई और ये सब एक लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में हुआ। इस वीडियो के स्लो मोशन में आप देख सकते हो कि भैया किस तरह से रिपोर्टर ने चकित होकर अपनी छतरी को दूर फेंक दिया। आज जब वो इस घटना को याद करता है तो कहता है कि उसे अपने हाथों में पीले रंग की चिंगारियां दिखाई दी थी। सौभाग्य से रिपोर्टर को कोई भी चोट नहीं पहुंची भैया, वो सिर्फ काफी डर गया था, बहुत ही ज्यादा। काफी शब्द यहाँ पे काफी नहीं है। जाहिर है वो इंटरनेट पर काफी फेमस हो गया, चलो विख्यात नहीं तो कुख्याति सही। द क्रिसमस थीफ। क्या आपको वो हरा मॉन्स्टर ग्रिंच याद है जो क्रिसमस ईव पर बच्चों के खिलौने चुराता था? ऐसा है सच्ची। उसके बारे में पहली फिल्म 1996 में रिलीज की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रिंच अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। अभी कुछ ही सालों पहले अमेरिका के डार्टमाउथ शहर में पुलिस ने एक घर के बाहर एक प्रैंकस्टर को पकड़ लिया। अगर थोड़ा लेट हो जाते तो स्थानीय बच्चों का क्रिसमस खराब ही हो जाता। एल्डरली स्टंटमैन। याद है कि सन 2000 में स्केटबोर्डिंग कल्चर के साथ साथ बीएमएक्स रेसिंग भी अचानक से हॉट चीज बनने लग गई थी। है, टाइम वाली चीजें होती हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इस तरह की बाइसाइकिल को छोटे बच्चों को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। दरअसल बीएमएक्स का मतलब बाइक मोटोक्रॉस ट्रेनर है, लेकिन 60s के दशक में ज्यादातर मोटरसाइकिल्स बच्चों के लिए काफी बड़ी थी और इसीलिए इस हाइब्रिड बाइक को इन्वेंट किया गया। दरअसल इस तरह के स्पोर्ट्स को नौजवानों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर ये बुढ़ा आदमी सबको दिखा देना चाहता है कि भैया सीनियर लोग भी ऐसे ही कुछ होते हैं, इसे कहते हैं सीनियर। इस बूढ़े सज्जन की बाइक राइडिंग स्किल्स को देखकर सलाम ठोकने का दिल करता, भले नौजवान शर्मिंदा हो रहा है इसके आगे। स्क्वायरल बुफे।
ओ भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मनुष्य ने काफी पहले बर्ड हाउस की खोज कर ली थी, पर गिलहरियों को भी रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। शायद इसीलिए इस वीडियो को बनाने वाले ने अपने घर की दीवारों पर गिलहरियों के लिए एक असली बुफे रख दिया है। खैर, लगता है गिलहरियां इसके लिए उसकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार है ना।